नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड, आप लोग का Oppo के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। दो दिन से हम कमेंट रीड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट आया Oppo के फ़ोन पर, Oppo A3s, Oppo Reno, Oppo Reno Pro, Oppo A15, Oppo A15s, बहुत सारा ऐसा Oppo का मॉडल है जिसके अनुसार आप लोगों ने कमेंट किया है। और आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन भी किया होगा तो हमारा थंबनेल को देखकर, क्योंकि हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है Oppo का लॉक कैसे तोड़े, पासवर्ड, पैटर्न, पिन। तो फ्रेंड, अगर आप भी Oppo फ़ोन यूज करते हो और वो Oppo फ़ोन आपसे इस प्रकार लॉक हो चुका है, आपसे, आपके फैमिली से या आपके फैमिली रिलेटेड से, तो आप लोग क्या करते हो, अपने फ़ोन को लेकर डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाते हो। सर्विस सेंटर वाले पैसा लेते हैं, समय लेते हैं, आपके फ़ोन के अंदर जो डाटा है, फैमिली फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, ऐप, गेम, वो टोटल का टोटल वो लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होगा, आपके फ़ोन में जो भी वर्क होगा आपको दिखाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर न जाते हुए इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो फ्रेंड, आपका पैसा बचता है, आपका समय बचता है और आपके फ़ोन के अंदर का जो डाटा होता है वो डाटा टोटल का टोटल रिकवर करके हम आपको वीडियो के एंड में देंगे और दिखाएंगे भी। बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना पैसा दिए हुए हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में Oppo का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला वर्क, जब आप अपने Oppo फ़ोन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपको अपने फ़ोन में पैटर्न, पिन, पासवर्ड दिखेगा। जैसा कि इस Oppo फ़ोन में पैटर्न लॉक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप अपना पैटर्न डालने के अलावा कोई अदर वर्क नहीं कर सकते हो। अगर बार बार पैटर्न को ट्राई भी करते हो तो यहाँ सेकंड शो करेगा, फिर मिनट शो करेगा और आपका फ़ोन कब डेथ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बार बार रॉन्ग पैटर्न को ट्राई किया है। तो फ्रेंड इतना कोशिश नहीं करना है, आपको ऊपर देखना है कोई ऑप्शन नहीं, दाएं देखना है, बाएं देखना है कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब आप पैटर्न, पासवर्ड, पिन के नीचे देखोगे तो आपके सामने इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिखेगा। इमरजेंसी कॉल या इमरजेंसी SOS दोनों एक ही होता है फ्रेंड। तो जिसके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल शो कर रहा है वो इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करेंगे और जिसके फ़ोन में इमरजेंसी SOS शो कर रहा है वो इमरजेंसी SOS पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इमरजेंसी SOS पर और जिसके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल है वो इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर लीजिए। दोनों एक ही होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाटा ओपन होगा। यहाँ पे क्लिक किए, अब आपके फ़ोन में डाटा ओपन हो चुका होगा। तो फ्रेंड आपको इस डायलेट पे, जो डायलेट ओपन हुआ है, सॉरी मैंने डाटा बोल दिया है, यहाँ पे आपको एक गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड का यूज करना पड़ेगा। छोटा सा कोड है, *#899 और # ये कोड जब आप डालोगे तो ये कोड इतना वर्किंग करेगा आपके फ़ोन में, एक सेकेंड भी नहीं हुआ होगा आफ्टर सेल का न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये सारा जो ऑप्शन दिख रहा है ना फ्रेंड, बहुत खतरनाक ऑप्शन है। गलती से भी आप कोई अदर ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपका फ़ोन डेथ हो जाएगा। इसीलिए चार नंबर ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऊपर से ऑटोमेटिक टेस्ट के नीचे आपको दिखेगा मैनुअल टेस्ट, आप मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकंड पेज पे आइएगा, डिवाइस डबिंग पे, और सबसे पहला वर्क आपका यही रहेगा फ्रेंड कि आपके फ़ोन में जो सेंसर है वो एक्टिव है तो उसको एक्टिव नहीं करना है, अगर डीएक्टिवेट है तो उसको एक्टिवेट करना है। सेंसर को, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। इस Oppo फ़ोन में दो सेंसर शो कर रहा है, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड। आपके फ़ोन में दो से ज़्यादा सेंसर है, आप सबको स्टार्ट कर देना। जब इसको स्टार्ट करोगे तो येलो कलर का हो जाएगा और एक सेंसर आपका पास आना चाहिए। अगर आपका दो से ज़्यादा सेंसर है और दो से ज़्यादा सेंसर पास आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, लेकिन एक सेंसर पास होना चाहिए। हम ये दोनों को स्टार्ट करते हैं, येलो कलर का हो चुका है आप देख सकते हो फ्रेंड, और एक फेल हो चुका है और एक पास हो चुका है। मैंने क्या बोला था, एक सेंसर पास आना चाहिए, ये हमारा मेथड रहेगा। एक सेंसर पास आया, हम इसको बैक कर लेंगे। हम जो भी वर्क करेंगे फ्रेंड उसमें पास की आवश्यकता है, फेल की नहीं। अगर जहाँ पे फेल भी आता है तो आपको वहाँ फिर से ट्राई करना पड़ेगा। जायरोस्कोप पे आएंगे, अब जायरोस्कोप क्लिक करेंगे, जायरोस्कोप पे ये तीनों ऑप्शन पे वर्क होगा। तीनों ऑप्शन पे, ग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 10 सेकेंड छोड़ दीजिएगा, ओनली 10 सेकेंड। अगर आपके फ़ोन में ये 10 सेकेंड वर्किंग करता है तो आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल है फ्रेंड वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप होता है। अब जब लगे आपको कि 10 सेकेंड कंप्लीट हो गया, आप इसको बैक कर लेना। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा दोस्त और यहाँ पे पास लाना होगा। ये वर्क आवश्यकता एकदम जरूरी है, आवश्यक है आपको करना। तो जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक किए, स्टार्ट का ऑप्शन आया, स्टार्ट किए। अगर यहाँ फेल भी आएगा तो हम फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक पास नहीं आएगा तब तक हम इस ऑप्शन को छोड़ेंगे नहीं। पास आ गया, NOSI 74 बार इस फोन को अनलॉक करने का कोशिश किया गया फ्रेंड, पास आएगा तो ही बैक करना है, जिसका फेल आएगा वो फिर से ट्राई करेंगे।
अगर यहाँ पे फेल आया तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा, पास आएगा तो ही बैक करना है। डाटा डिस्प्ले 3 नंबर ऑप्शन, जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। डाटा डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा, एक्स वाई जेड 3 एंगल नीचे की ओर इंक्रीज करें, इसको 30 तक इंक्रीज होने दीजिए। अगर ये 30 तक आपके फोन में वर्किंग करता है तो आपके फोन का टोटल डाटा रिकवर होगा। और मैं वीडियो की एंड में दिखाऊंगा भी, सर्विस सेंटर वाले, रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा डिलीट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। 30+ हुआ, अब हम इसको बैक करेंगे, आपका डाटा रिकवर कन्फर्म 110%। अब हम इसको बैक करेंगे, चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम होगा अदर्स। अदर्स पे आने के बाद रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा 2nd नंबर ऑप्शन पे। कैंसिल और ओके का ऑप्शन आया, सारे बंदे को कैंसिल करना है। 2nd टाइम में ये कोड आप लोग जरूर डाल देना फ्रेंड, और हैज ये कोड डायल करके ओके करना। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड जिसके भी फोन में शो कर रहा है वो समझेंगे पासवर्ड पैटर्न पिन रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है पास है या फेल। पास होना चाहिए, फेल नहीं। की स्टेटस पे क्लिक किए, अब भी आपके सामने अपडेट हुआ नेम में जितना भी की है स्टेटस में सब पास 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 है। इसका मतलब अब आपके फ़ोन का पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी है फ्रेंड वो रीसेट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से राइट साइड या लेफ्ट साइड में जब पास आ जाए तो लॉक का बटन होगा, देखना यहाँ पे लॉक का बटन आपको दिख रहा है, इसको प्रेस करके रखे रहना। प्रेस किए हम, रीस्टार्ट पावर ऑफ का ऑप्शन आया, यहाँ पे पावर ऑफ कोई नहीं करेगा नहीं तो सारा मेथड बेकार। रीस्टार्ट, यहाँ पे हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, और इस ओप्पो फोन को मैंने रीस्टार्ट पे लगा दिया। तो अब आप लोग को वीडियो में बने रहना है ताकि आप लोग को पता चले कि मैंने जो भी मेथड बताया वो मेथड आपके फोन में वर्किंग किया है या नहीं किया। तो फ्रेंड ये जो भी मेथड हम आपको बताए हैं ये मेथड जुलाई मंथ 2024 ईयर का मेथड है, और ये मेथड पूरा जुलाई एक्टिव है। जुलाई के बाद अगस्त मंथ जो आएगा उसमें ये मेथड चेंज हो जाएगा, मंथ बाय मंथ मेथड हो या कोड हो सब चेंज होते रहता है। तो ये देखना फ्रेंड फोन अब रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अब वीडियो में बने रहना ताकि आप लोग को पता चले कि आपका ओप्पो फोन अनलॉक हुआ है या नहीं हुआ है। देखते हो फ्रेंड अपनी आंखों से कि ये ओप्पो फोन अनलॉक हो चुका है फुल्ली तरीके से। पैटर्न लॉक था इस फोन में, इस फोन का पैटर्न लॉक रिमूव हुआ। टोटल का टोटल डाटा देख लो, मैंने बोला था कि आपके फोन का एक भी डाटा हम डिलीट नहीं होने देंगे। पैसा बचा, समय बचा, डाटा बचा। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते हैं पैसा लगता, समय लगता, डाटा लगता, लेकिन मैंने प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपका किया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मॉडल नंबर के साथ कमेंट करना फ्रेंड, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।